ध्यान से देखो बालवीर, अंत तो तुम्हारा हो चुका है और तुम अब इस गेम से भी आउट हो, तो बॉक्स में बैठकर सिर्फ गेम एंजॉय करो। एंजॉय करूंगा, लेकिन मैं इस गेम को खेलूंगा भी और जीतूंगा भी। लगता है पिछली बार कोई कमी रह गई होगी, इसलिए तुम ये रिटर्न टिकट कटवा कर ना वापिस आ गए। लेकिन इस बार ऐसा फुल एंड फाइनल करूंगा तुम्हारा, तो अगर भगवान खुद भी वापस भेजेंगे ना तुम्हें, तो तुम मना कर दोगे। तुम्हें शायद पता नहीं, एक बार जो खिलाड़ी आउट हो जाता है उसे वापस आउट नहीं किया जा सकता, लेकिन वो खिलाड़ी मैदान में वापस आकर किसी और खिलाड़ी को आउट जरूर कर सकता है। दो बच्चों की जान बचाने में तुम्हारी सांस अटक गई और तुम मुझे डरा रहे हो। कहाँ है बालवीर, दिखाई नहीं दे रहा है। बालवीर वो बादल है जो सिर्फ गरजता ही नहीं, बरसता भी है, और इस बार तो मैं ऐसा बरसूंगा जिसकी बाढ़ में तुम जैसे बुरे लोग बह जाओगे। बस एक काम करो, एक बार और ट्राई कर लो ताकि तुमको रिग्रेट ना रहे। कम ऑन ट्राई। अरे भगवान जी, थोड़ी देर तो खुश रहने का चांस दे दीजिए। किससे बात कर रहे हो? कोई तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारी ये लाचारी देखकर तुम पर बहुत दया आ रही है बालवीर। एक मिनट। बालवीर जी, टाइम प्लीज। थोड़ी देर के लिए मुझ पर ही दया करो। थोड़ी देर के लिए चश्मा मुझे दे दो ताकि मैं भी बालवीर का असली रूप दे सकूं। ओ, तो यही इस चश्मे का जादू है जिसकी मदद से ये मुझे देख पा रहा है। परेश दुख में मुझे एक उम्मीद दिखी। कैसी उम्मीद विवान? यही कि पिछले 3-4 दिनों से कोई अनजाना दोस्त हमारी हेल्प कर रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो देबू भैया ही है। लेकिन विवान, बालवीर वापस कैसे आ सकता है? विवान, हो सकता है कि ये तुम्हारा वहम हो। नहीं बालपरी, ये कोई वहम नहीं है। मैंने महसूस किया है देबू भैया को अपने आसपास। पर विवान, ये बात निश्चित कैसे हो सकती है? यही तो मुश्किल है, क्योंकि मैं देबू भैया को देख नहीं सकता, इसलिए सच जानने का कोई रास्ता नहीं है। किसने कहा विवान की कोई रास्ता नहीं है? हाँ विवान, हर दिव्य रूप में कोई खास ऊर्जा होती है, एक खास तत्व जिससे वो ऊर्जा बनी होती है। जैसे हम सब परियां अलग अलग तत्वों से बने हैं। हाँ, और हम सब मिलकर एक ऐसी शक्ति बना सकते हैं जिससे तुम उस अदृश्य शक्ति को पहचान सको। अब चाहे वो बालवीर हो या फिर कोई और, उसकी ऊर्जा ही उसकी पहचान बताएगी। अब लेकिन एक प्रॉब्लम है, मुझे ये नहीं पता कि मेरी शक्तियां किस तत्व से बनी है। अनन्या, चिंता मत करो, तुम खुद जल्द ही जान जाओगी, क्योंकि शक्तियां खुद अपनी परियां चुनती है। परियों, चलिए अब हम सब उस अदृश्य शक्ति को पहचानने वाली शक्ति बनाते हैं। We'll be right back.
सेटल है। ये कैसे पहचानेगा उस अदृश्य शक्ति को? ये पदार्थ उस अदृश्य शक्ति के पैरों के निशान से उसे पहचान जाएगा। और अब तुम इसे पूरे भारत नगर में बिछा दो। हाँ, उसके बाद ये तत्व सिर्फ खास ऊर्जा वाले शक्ति के पैरों के निशानों को ही पहचानेंगे, भारत नगर के बाकी निवासियों के नहीं। उसके बाद वो शक्ति देबू भैया है या नहीं, ये सच हमारे सामने आ जाएगा। किसी भी हाल में इस जादुई चश्मे को मुझे रे से छीनना ही होगा, वरना रे मुझसे हमेशा एक कदम आगे रहेगा और विवान की मदद कभी नहीं करने देगा। इमेजिन भी नहीं कर सकते कि तुम इस तरह मजबूर लाचार बेबस देखकर मुझे कितनी खुशी मिल रही है। अब तुम मुझे मारना चाहते थे ना, लेकिन तुम तो मुझे छू भी नहीं सकते, कितनी गलत बात है। वैसे कैसा महसूस कर रहे हो तुम? आई मीन बेबस, लाचार या किसी काम के नहीं, या फिर जलन हो रही कि तुम्हारा छोटा भाई विवान यानी कि बालवीर मेरा भाई बनेगा और बुराई का साथी। विवान के पास जाकर उसे बहलाने की कोशिश भी मत करना। नो, नहीं, नो, 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 मैं क्यों जाऊंगा विवान के पास? विवान मेरे पास आएगा। समझे पालवीर? और तुम जानते हो मेरे अगले ग्रैंड प्लान का टारगेट कौन है? विवान। यस, छोटा बालवीर। शुक्रिया परी, अब मैं इस जल को पूरे भारत नगर में बिछाकर ये जान पाऊंगा कि वो अदृश्य शक्ति देबू भैया है या नहीं। और हम उन्हें फिर से मानव अवतार में वापस ले आएंगे। चलिए अनन्या दीदी। अरे दीदी, दीदी माना कि वीरलोक काफी सुंदर जगह है, पर इस वक्त हमें भारत नगर में जरूरी काम है। चलिए। ओ हेलो, मैं भी जाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी तक मेरा फ्लाइंग मोड एक्टिवेट ही नहीं हुआ है। देखो ना, मैं उड़ ही नहीं पा रही हूँ। अरे दीदी, तो दोबारा ट्राई कर दीजिए ना, यहाँ कौन सी उड़ने की टिकट लेनी पड़ती है, ट्राई कीजिए। ठीक है। कुछ भी नहीं हो रहा है, अब इसमें भी मेरी गलती है। नहीं अनन्या, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी परी शक्तियां अभी तक जागृत नहीं हुई है ना। लेकिन ये शक्तियां कब, कहां और कैसे जागृत होंगी? दीदी, आपको सब पता चल जाएगा, लेकिन हमें भारत नगर जाना जरूरी है। चलिए। ओके। हेलो विवान, तुम तो जेल लाए थे ना, तो फिर अभी दाने क्यों डाल रहे हो? दीदी, अगर पंछी को जाल में फंसाना है तो दाने तो डालने पड़ेंगे ना। मतलब? अब मतलब ये कि मैंने जेल को इन दानों में कन्वर्ट कर दिया ताकि किसी को हम पे शक ना हो। यू मीन कि ये दाने भी जेल की तरह काम करेंगे और हमारे उस गायब दोस्त के फुटप्रिंट्स ढूंढने में हमारी हेल्प करेंगे? एग्जैक्टली, नाउ फॉलो मी। दिल तो बहुत करता है कि तुम्हें बताऊं कि मैं विवान को कैसे यूज करूंगा, पर क्या है ना कि स्टोरी में सस्पेंस बना रहना चाहिए। कौन जीतेगा और कौन हारेगा, इसकी तरह बनी रहनी चाहिए, राइट? पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तड़पाने का मौका भला कैसे छोड़ सकता हूं, इसलिए मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, तुम्हें दिखाऊंगा तुम्हारी अच्छाई का विनाश। और फिर तुम
इसी तरह मेरे सामने लाचार और मजबूर खड़े रहोगे जिस तरह आज खड़े हो। मैं तो इसे छू भी नहीं पा रहा, तो इसे चश्मा कैसे लूं? कैसे इसके वार को रोकूं? आईना इसकी गर्दन मेरे हाथ में, अभी इस चश्मे को तोड़ देता हूं ताकि ये कभी मुझे देख ना पाए। ताली बजा रहे हो, चश्मा निकल गया मेरे हाथ से। ये बालवीर ऊपर से नीचे आ सकता है, तुम चश्मे को वापस नहीं ला सकते। लाओगे तब ना, जब मैं तुम्हें लाने दूंगा, और अब तो तुम मुझे देख भी नहीं सकते। अनन्या दीदी, अब हम 2 hours वेट करेंगे और फिर चेक करेंगे कि मैजिकल जेल ने उस इनविजिबल पावर के फुटप्रिंट को कैप्चर किया है या नहीं। लेकिन विवान, उस रास्ते से तो काफी लोग निकले होंगे ना। पर वो जल सिर्फ उन्हीं लोगों के पाव के निशान को कैप्चर करता है जिनके पास कोई स्पेशल पावर हो। यू मीन स्पेशल पावर्स लाइक मी? हाँ दीदी, आप ऐसा कह सकते हैं। वैसे विवान, अभी हमारे पास 2 घंटे है ना, तो तुम मुझे मेरे पावर्स लेना सिखा दो प्लीज 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 प्लीज। ओके ओके दीदी। सो आपकी रियल पावर्स क्या है ये जानने के लिए आप अलमारी पे फोकस कीजिए और अपने अंदर से अपनी सारी एनर्जी को एक्टिवेट कीजिए, फिर जो भी आपकी पावर होगी उसका इफेक्ट इस अलमारी पे होगा। ओके कि आपका फोकस उस अलमारी पे था, मुझ पे नहीं, वरना मैं तो टाइगर जिंदा है से टाइगर जिंदा था हो जाता। लेकिन विवान, ये कैसी पावर थी? फिकर नॉट दीदी, कभी कभी पहली बार में रियल पावर सामने नहीं आती, बट आप एक और बार ट्राई कीजिए और इस बार आप इस कप पे फोकस कीजिए। ओके सो ये लीजिए, कीजिए। ओके अरे ये क्या हुआ विवान? ये मेरा सर वहां से यहाँ कैसे आ गया? विवान कुछ करो ना। ओ हेलो, एक मैजिक ट्रिक तो करनी आती नहीं है तुम्हें और तुम्हें परी बनना है। चलो मेरा सर वापस रखो वहां पे। अरे अरे रुकिए, गलती परी अब गलती परी अब मेरा मतलब गलती से कुछ उल्टा ना हो जाए उसके लिए मैं ही ठीक कर देता हूँ। लेकिन मैं कौन सी परी हूँ, मेरी पावर्स क्या है, सब तो कुछ समझ ही नहीं आया मुझे। दीदी
लेकिन मुझे एक बात का पता चल गया है। क्या? कि आपको घर के अंदर ट्रेनिंग देना खतरे से खाली नहीं है। विवान, आखिर ये दोनों गए कहाँ? ये मुझे वापस कैसे देख पा रहा है? ये चश्मा कहीं से दूसरा चश्मा तो नहीं बना लिया? अगर तुम मुझे बाय बोलने के लिए अपना हाथ हिला रहे थे तो ठीक है, विवान अभी आता ही होगा, उससे पहले चले जाओ, बच जाओगे। और अगर ना जाऊं तो पछताओगे। इतना मार खाना पड़ेगा कि पूरी बॉडी पर इतना पेन होगा कि बहुत तड़पोगे। मरने का एक फायदा होता है कि आप जो चाहे वो बोल सकते हो, लेकिन एक नुकसान भी होता है, जो आप बोल सकते हो वो कर नहीं सकते। अब मैं भी तुम्हें एक बात कहना चाहता हूं, मैं किसी को कभी सामने से नहीं छेड़ता, लेकिन अगर कोई मेरे परिवार को छेड़ता है तो मैं उसे नहीं छोड़ता। जो दुनिया छोड़ गया उसके पास कुछ भी छोड़ने के लिए बचा क्या? यही प्रॉब्लम, तुम जैसे बुराई के साथ ही अति आत्मविश्वास में डूब जाया करते हैं। इसे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कहते, इसे अपनी पावर्स का कॉन्फिडेंस कहते हैं। लेकिन तुम ये नहीं समझोगे, क्योंकि इसे समझने के लिए जिंदा होना जरूरी होता है। अब मैं वापस तो जिंदा नहीं हो सकता ना, लेकिन एक काम जरूर कर सकते हैं, मैं तुम्हें अपनी तरह बना सकता हूं। तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ मैं कर सकता हूं। देखो, मैं तुम्हें सुन सकता हूं, तुम्हें टच भी कर सकता हूं। तुम्हारी ये बेबसी, लाचारी, मजबूरी देख भी सकता हूं। एक बार बाजी जीतने से कोई विजेता नहीं बन जाता, वो देखो। तुम्हारा अंत आ रहा है। अब विवान को जल्दी ही पता चल जाएगा कि मैं उसका भाई वापस आ चुका हूं, और फिर तुम, तुम्हारे साथी और तुम्हारी पूरी योजना सब यहीं के यहीं धराशायी हो जाएगी। हाँ, नहीं, जादुई शक्तियों का प्रयोग मत करना, विवान सामने ही है। सोचना भी मत कि तुम उस मैजिकल जेल पर जादू करके मेरे पैरों के निशान मिटा सकते हो। इस बार बेबस, लाचार और हारे हुए तुम। विवान, टाइम कंप्लीट हो गया है, लेकिन ये इनविजिबल दोस्त कौन है? इसकी इंफॉर्मेशन तुम कैसे लोगे? ऐसे देवू भैया, भैया। हाँ विवान, तुम्हारा भाई। भैया ये सब क्या है? विवान, भगवान ने मुझे 10 दिनों का समय दिया था, जो अब जल्दी ही समाप्त होने वाला है, इसलिए मुझे हमेशा के लिए वापस जाना होगा। नहीं भैया, नहीं, इस बार मैं भगवान से खुद बात करूंगा। बाय।
भगवान, प्लीज ये बताइए कि आपने देवू भैया को अपने पास क्यों बुलाया? ये तुम दोनों की परीक्षा थी। बालवीर अगर चाहता तो अपने अच्छे कर्मों के कारण सीधा स्वर्ग जा सकता था, लेकिन उसने फिर भी धरती पर बुराई से लड़ने का रास्ता चुना। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप प्लीज देवू भैया को उनकी लाइफ वापस कर दीजिए। दुनिया को इनकी जरूरत है, पर अगर आप चाहे तुम देवू भैया के बदले मेरी लाइफ ले लीजिए। तुम भी अपनी परीक्षा में सफल हुए क्योंकि तुम्हारी नीयत बिल्कुल पवित्र है। तुम दुनिया को सुरक्षित रखने के लिए अपनी जान तक देना चाहते हो। इसका मतलब ये कि बड़े बालवीर को मैं उसका जीवन लौटा रहा हूँ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.